हमने अपने जो बेसिक समस्याएं हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि फ्लड की वजह से जो निर्मम हत्या हुई है, और ये हत्या नहीं, हत्या कराने का प्लान है कि अगर एमसीडी और सरकार पहले से जागी होती तो शायद ये हत्याएं ना होती। बिजली के द्वारा एक जो नीलेश मारा गया वो ना मारा जाता, ऐसी आगे घटना ना घटे, उन बहुत सारे इशू पे मुद्दे रखे, और चाहे हमारा सफाई का इशू हो, चाहे हमारा रूम रेंट का इशू हो, चाहे हमारी कोचिंग में जो फीस है या कोचिंग मनमानी फीस करती है और अंडरग्राउंड चलाती है। आज मान लीजिए बारिश है तो पानी की समस्या दिख गई, कल को ऐसा हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग जो जर्जर है वो बिल्डिंग ही गिर जाए, तो वहाँ पे तो आज 3 बच्चे मरे, हो सकता है कल को 3,000 बच्चे मर जाएं, उनका जिम्मेवार कौन होगा? अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट बताते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, और हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हम खुद ही पीएससी पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हमारे पढ़ के आए, वो इम्प्लीमेंट लागू क्यों नहीं करते? उन सब मैटर पर हम लोगों ने बात की कि अगर डिजास्टर को पहले मैनेजमेंट कर लेंगे तो डिजास्टर होगा नहीं। अभी जो बात हुई है हमारी, उन्होंने प्राइमरी लेवल पे बात की है कि डिस्कस की, अभी इस तरीके से कोई कमेटी थी नहीं आज तक, ना गवर्नमेंट ने कभी बात किया था बच्चों से, आज ये पहली बार है, बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन ये ग्राउंड पे कितना आता है और क्या क्या इस पर निकल के आता है कि क्या वाकई में बन पाएगा, कभी आग जलती है उस पर भी कोई बात होती है कि हाँ बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन फिर से पैसा दे के खुला दिया जाता है, क्या वाकई में इसको रोका जाएगा, इस समस्याओं का समाधान लॉन्ग प्रोसेस की तरह किया जाएगा, ये देखना बहुत बड़ी कैसा चुनौती है। कई बच्चे नगर में और राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी अलग अलग डिमांड तो आप लोगों ने भी, हाँ पूरी डिमांड रखा हम लोगों ने, डिमांड है कि मंत्री जाके खुदों से मुलाकात करें, इस पर इस पर उन्होंने बोला कि हम एस्योरिटी करते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें जाना चाहिए, लेकिन अब हम जरूर जाएंगे वहाँ, बच्चों से मिलेंगे, बात करेंगे, पर मैं ये चाहता हूँ कि केवल एक मंत्री नहीं, हर व्यक्ति उस संवेदना को समझे, उस दर्द को समझे। अगर एक पीएम मोदी मैन है, उसी तरह एक बच्चा भी मरता, वो भी एक आदमी ही है, उसकी कंपनसेशन उसको मिले 1 करोड़ रुपया, मैं ये चाहता हूँ और हम सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं, और आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए पूरी रेगुलेटिंग बॉडी बने। देखिए अभी हमने एक बैठक करी थी जिसमें दिल्ली के अलग अलग हिस्से से जो मेजर कोचिंग हब्स हैं, जिसमें राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, वहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, हमारे दिल्ली सरकार के सारे सीनियर अधिकारी जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, एमसीडी के ऑफिसर्स, लॉ डिपार्टमेंट, सब वहाँ पे मौजूद थे, फायर डिपार्टमेंट वहाँ पे मौजूद था। तो आज हमने जो स्टूडेंट्स के सारे कंसर्न्स हैं उनको सुना, उनसे फीडबैक लिया कि अगर हम रेगुलेशन लेकर आते हैं, अगर हम कोई कानून लेकर आते हैं जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रेगुलेशन होना चाहिए, तो उसमें क्या क्या पक्ष होना चाहिए। स्टूडेंट्स ने कई मुद्दे सामने रखे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मुद्दा सामने ही आया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस का मुद्दा सामने आया, एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स ने ये भी बात रखी कि जो किराए पे घर उनको मिलते हैं वहाँ पर भी स्टूडेंट्स का बहुत शोषण होता है, बहुत हैवी वहाँ पे रेंट लिया जाता है, फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, कई बार बेसिक फैसिलिटीज़ की भी कमी हो जाती है। तो इन सब मुद्दों को स्टूडेंट्स ने सामने रखा, स्टूडेंट्स ने अभी कुछ शॉर्ट टर्म कंसर्न्स को भी रखा है, उन्होंने इस मुद्दे को रखा है कि लाइब्रेरीज जो इल्लीगली बेसमेंट में चल रही थी उनको सील किया गया है, परंतु अब उनके पास पढ़ने के लिए अभी कोई जगह उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आज मीटिंग में 3 मिनिस्टर्स, गोपाल राय जी, सौरभ भारद्वाज जी और मैं मौजूद थे, साथ में दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय जी मौजूद थे। हमने स्टूडेंट्स को ये प्रॉमिस किया है कि उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही समस्याओं का कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा।